100% maths. आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ 5 रिवीजन क्वेश्चंस फॉर द चैप्टर प्रोबेबिलिटी क्लास 10 के लिए. आज की इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी की जितने भी क्वेश्चंस हैं दैट इज टेकन फ्रॉम द यू लाइक सैंपल पेपर्स में से. आज की जो वीडियो है, अगर आप इस चैप्टर को प्रिपरेशन देना चाहते हैं तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी के नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है. इसमें कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स मैंने डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है और जिसका आंसर हम यूजुअली नहीं निकाल पाते हैं. तो आज की वीडियो आप सबके लिए इस चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें. आइए वीडियो शुरू करते हैं. सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल एट रैंडम फ्रॉम द जार दैट कंटेन्स, एक जार है जिसमें हमारे पास 3 तरह के मार्बल्स हैं, ठीक है. एक का कलर है ब्लू, देन इज ब्लैक एंड द लास्ट वन कलर इज ग्रीन, ठीक है. एक जार में ये 3 कलर के मार्बल्स पड़े हैं. अब हमें गिवन है सिलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलरेडी आपको गिवन है. तो पी ऑफ ब्लू इज कितना गिवन है आपको, 1/5. सेकेंड लाइन कहती है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लैक मार्बल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लैक मार्बल इज 1/4, ठीक है. बट ग्रीन की नहीं दे रखी है, बट टोटल नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स आर गिवन. इसको हम बाद में यूज करते हैं, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स जो है वो आपको गिवन नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है. अब आपको पता है कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है. सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल्स टू 1, ये चीज आपको पता है. अब आप क्या करेंगे, पी ऑफ ब्लू प्लस पी ऑफ ब्लैक प्लस पी ऑफ ग्रीन इज इक्वल टू कितना हो गया, 1. यहां से पी ऑफ ग्रीन निकल आएगी, ठीक है. पी ऑफ ब्लू कितना है, 1/5, 1/4 प्लस पी ऑफ ग्रीन इज इक्वल टू 1. टेक एलसीएम, 5 4 20, 4 + 5 हो गया. देन पी ऑफ ग्रीन इज इक्वल टू 1, ये हो गया 9/20. इसको मैं राइट हैंड साइड पे लेके जा रही हूं, तो ये हो जाएगा 1 - 9/20. एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 20 - 9, दैट इज 11/20. यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितनी है, 11/20. ये हमने यहां से निकाल लिया. बट हमें ये निकालने के लिए नहीं कहा गया था, हमें कहा गया था फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द जार. तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे. एक अगर जार में 11 ग्रीन मार्बल्स हैं, ठीक है, तो लेट हम मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स जो है वो कितने हो गए, x मार्बल्स हैं. यही x हमें निकालना है क्वेश्चन के लिए. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ग्रीन मार्बल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, 11/x. अगर 11 ग्रीन मार्बल्स है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, यही होगा 11/x, ठीक है. अब इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, 11/x 11/20 क्रॉस मल्टीप्लाई करा, या फिर साथ सीधे या फिर 11/11 को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास x आ गया 20. दैट मींस देयर वर 20 मार्बल्स इन द जार. तो ये जो है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस को क्वेश्चंस का सलूशन देना है. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हमें यूजुअली जो डाई दिया होता है हमारे उसके 6 आउटकम्स हम खुद से ले लेते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6. बट इस क्वेश्चन में हमारे पास ये 6 आउटकम्स अलग से दे रखे हैं. अ चाइल्ड हैज अ डाई हूज 6 फेसेस आर दीज, ये 6 फेसेस ही कंसिडर करने हैं आपको, खुद से कंसिडर नहीं करना है. अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड बी, इसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है. कितने फेसेस हैं टोटल, 6, ठीक है. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 6. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, कितनी बार है ए, 1 2 3, तो 3 टाइम्स ए है और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 6, तो आंसर इज 1/2. देन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी, बी कितनी बार है, 1 and 2, सो 2/ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, आंसर इज 1/3. तो जब क्वेश्चन में आपको गिवन हो कि कौन कौन से फेसेस हैं, आपने उसके अकॉर्डिंगली इसका आंसर करना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कार्ड्स विद द नंबर्स मार्क्ड एज 5 से लेके 50
तक आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स। तो सबसे पहले यहाँ पर डिटरमिन करने होंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर्स यहाँ पर कितने हो गए, 5 से लेके 15, मतलब 5 भी आपको कंसिडर करना है, दैट मीन्स 46 नंबर्स आर देयर। मिक्स थॉरली, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द बॉक्स, वन नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी और द नंबर ऑन द कार्ड टेकन आउट इज अ, द फर्स्ट केस में हमें लेना है प्राइम नंबर लेस दैन 10। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि प्राइम नंबर लेस देन 10 कौन कौन से आएंगे। देख सकते हैं 5 आएगा और 7 आएगा, क्योंकि 8, 9, 10 लेस देन 10 थे, तो 9 नहीं होता, 8 भी नहीं होता और 6 भी नहीं होता। तो 5 एंड 7 दो ही नंबर्स ऐसे हैं जो लेस देन 10 हैं। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगी, प्राइम नंबर लेस देन 10 की वो आएगी, दो नंबर है टोटल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल नंबर। तो इसका आंसर आ गया 1/23। ठीक है, तो बी पार्ट है हमारा, अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट मीन्स सो 3 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो वो कितना आएगा 9, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 हमारे जो इसमें नहीं इंक्लूडेड है, क्योंकि नंबर ही कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 5 से स्टार्ट हो रहे हैं। नंबर आएगा सबसे पहला 9, देन 4 का स्क्वायर करेंगे 16, देन 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, देन 7 का स्क्वायर करेंगे 49। जब हम 8 का स्क्वायर करेंगे दैट विल बी 64 आउट ऑफ द रेंज। ठीक है, तो कितने नंबर्स हो गए ये टोटल 5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, कितने नंबर्स हो गए टोटल 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, सो कितना आया 5/46 इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम बिटवीन 1 and 100। तो सबसे पहले यहाँ पर टोटल नंबर कितने हैं, या आप कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 1 and 100, मतलब बिटवीन है तो 1 और 100 को नहीं इंक्लूड करना है, दैट मीन्स वी हैव टोटल 98 आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हमने डिनोमिनेटर में लिखने होते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 8। तो सबसे पहले डिविजिबल बाय 8 के, 8 के हम फैक्टर टेबल लिख लेते हैं, 8, 16, देन 24, 32, देन आपका आएगा 40, देन 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80, 8 11 88, 96। ठीक है, ये क्योंकि सारे रेंज में थे इसलिए मैंने ये सारे 8 के डिविजिबल फैक्टर्स जो है वो लिख दिए हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी डिविजिबल बाय 8, कितने नंबर्स है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। सो 12 नंबर्स आर देयर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, सो 12/98, इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो आ जाएगा 6/49। ठीक है, ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। देन आ गया नॉट डिविजिबल बाय 8। अब हम जैसे हमने डिविजिबल बाय 8 के लिए सारे नंबर्स लिखे हैं, वैसे हम सारे नंबर्स मेंशन नहीं करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर्स हैं, 98 नंबर्स हैं। तो नॉट डिविजिबल बाय 8 के लिए हम क्या करेंगे, 98 में से हमें पता है कि डिविजिबल कितने हैं, कितने हैं 12, तो उसमें से ये 12 माइनस कर देंगे, बाकी जो बच जाएंगे दैट इज 86। 86 जो है वो नॉट डिविजिबल बाय 8 है, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 86/98, इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 43/49। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का। सो हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम पेपर्स में पूछा गया है इस तरह का क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। अ बॉक्स कंटेन 12 बॉल्स, यानी कि एक बॉक्स में 12 बॉल्स है, तो टोटल नंबर ऑफ जो बॉल्स हैं वो कितनी है 12 है, ऑफ विच सम आर रेड इन कलर। तो हमें रेड नंबर ऑफ बॉल्स नहीं पता है तो हमें इसको सपोज करना है, लेट नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल्स टू x। ठीक है, फर्स्ट लाइन से मैंने ये दोनों चीजें लिखी। इफ 6 मोर रेड बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, इसको पहले यहां से देखते हैं, अगर हमारे पास x बॉल्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल विल बी x/12।
ये हमने फर्स्ट लाइन से ये सब डिटरमिन किया है। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, इफ सिक्स मोर रेड बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, यानी कि अगर सिक्स मोर पुट करी है तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अब कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 12 प्लस 6 18 हो जाएगी, ठीक है। और नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी हो जाएगी, दैट विल बी x प्लस 6, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी कितनी है रेड बॉल ड्रॉ करने की, दैट इज x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 18। अब मैंने यहां तक जो इसका निकाल लिया, अब आगे बढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल डबल्स, यानी कि ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल डबल्स देन व्हाट इट वाज बिफोर, तो बिफोर वाली ये है, तो x अपॉन 12, ये क्वेश्चन का आंसर है। और यहां से सिंपल आपने x की वैल्यू निकालनी है, दैट इज नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन द बॉक्स। एक बार फिर से देख लेते हैं, फर्स्ट लाइन में से मैंने सबसे पहले निकाला टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 12, ऑफ विच सम आर रेड इन कलर, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स मैंने सपोज कर ली x, तो प्रोबेबिलिटी आ गई x अपॉन 12। फिर उसने कहा कि 6 मोर बॉल्स डाल दी, यानी कि 12 प्लस 6 कितनी होगी 18, अब नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी होगी x प्लस 6, तो अब प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी x प्लस 6 डिवाइड बाय 18, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो रेड बॉल की अब डबल हो जाएगी देन व्हाट इट वाज बिफोर, तो बिफोर वाली तो यही है, तो यहां से हमने ये चीज कर ली। अब यहां से आ जाएगा x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू x अपॉन 6 क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहां से मिलेगा 6 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 18x, यहां से आ गया 6x प्लस 36 इज इक्वल टू 18x, इस 6x को मैं उधर लेके जा रही हूं, तो मेरे पास आएगा 18 माइनस 6 दैट विल बी 12x, तो यहां से आ गया 36 बाय 12, तो x हो गई 3, यानी कि 3 रेड बॉल्स थी बॉक्स में। तो ये है इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आज हमने प्रोबेबिलिटी के क्लास 10th के जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हटके होते हैं थोड़े, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो कोई भी वीडियो इस 5 रिवीजन क्वेश्चंस का ना मिस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। और कोई डाउट आए या अलग सा क्वेश्चन आए आपको कोई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें। हैव ए नाइस डे।